कोविड-19 का जाना अभी शुरू हुआ है, पूरा तो गया नहीं। उस कालखंड में स्कूल शुरू हो रहे तो स्कूल के बच्चों उधर जो जाने वाले 8वीं से लेके आगे के मतलब 9वीं 10वीं 11वीं, तो वो स्कूल ठीक होना चाहिए, उसमें डिस्टेंस अच्छा रहना चाहिए, उनकी जो मरम्मत पहले होती थी ऐसी होनी चाहिए। हॉस्पिटल में जो मरीज अभी डेंगू और मलेरिया के बढ़ गए हैं उसके लिए दवा पानी का और ऊपरी इलाज होने की ज़रूरत है। महापालिका में कई मशीनरी नहीं है, इसके लिए प्राइवेट मशीनरी का आधार लेना पड़ता है और अपने जेब से लोगों को पैसा देना पड़ता है, उस पर भी हमने आयुक्तों का ध्यान आकर्षित किया है। प्रदूषण के बारे में माननीय आयुक्त से बोला मैंने कि वाटर पोल्यूशन, तुम्हारा हवा प्रदूषण और नॉइज प्रदूषण, ये सभी स्तर पे उनसे अभी हमेशा आप मुलाकात करते रहे, आपके अधिकारी को जिम्मेदारी दो ताकि शहर की स्वास्थ्य अच्छा रहे। उसके बल में सीनियर सिटीजन के लिए जो अपने विरंगला केंद्र बनाए हैं वो फिर से शुरू करो, मैंने हमने बोला है और वो हो रहे हैं। ये बात ऐसी कि सोमवार को ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नायक के नेतृत्व में हमारे साथी लोगों ने माननीय आयुक्तों से मुलाकात की थी और उसमें अपने शहर का पानी जो MRDC से मिलने वाला और शहर को दिया जा रहा है उस पर सख्त उन्होंने नाराज़ी व्यक्त की थी। आयुक्तों का हमने बोला है कि भाई इस बारे में आप MRDC को सख्त आपकी नापसंदगी व्यक्त करो और मोरबे का पानी दीघा तक उसकी पाइपलाइन का काम चालू हो रहा है वो जल्दी ख़त्म करो और मोरबे का पानी वहाँ तक पहुँचाओ। मोरबे धरण का पानी आगे 10-15 साल के बाद में वो कमी पड़ने वाला है, इसलिए मैंने आयुक्त महोदय से बोला है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आप पत्र लिखो कि री एलोकेशन ऑफ वाटर, पानी का पुनर्वाटप, उसमें जो जून जुलाई में टाटा का हाइड्रो पावर से जो पानी निकलता है खोपोली पातालगंगा से जो खाड़ी में मिलता है वो 2 महीना महापालिका को मिले, तो टॉप लेवल से यदि वहाँ से कलेक्ट किया गया तो भोकरपाड़ा के अपने फिल्टर प्लांट में वो पानी आ सकता है, 300-400 करोड़ रुपया खर्चा हो सकता है, लेकिन 1.5-2 महीने का बंदोबस्त हो जाएगा। 1.5-2 महीने का शहर का बंदोबस्त होने के लिए 400-500 करोड़ रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, और उसके लिए मैंने उनको बोला कि भाई आप पत्रव्यवहार शुरू करो, ज़रूरत पड़ने के बाद में जिधर हमारी ज़रूरत है उधर हम भी उधर पे दखल देने वाले हैं। नहीं नहीं देखिए बात ऐसी कि अभी डीजल पेट्रोल का ज़माना अभी जाने को है, अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ज़माना आया है, अपने शहर में बहुत बड़ी प्रमाण में प्राइवेट कार भी लोग ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जगह जगह पे कार चार्जर होने चाहिए और आगे चल के बिल्डिंग को CC देने के वक्त ही बिल्डिंग में ही कार चार्जिंग का वहाँ पे बंदोबस्त होना चाहिए, ऐसी एक शर्त रखो ताकि भविष्य में ये चीज़ लोगों को एक तकलीफ न दे। ओके देखिए बात ऐसे अभी कोपर खैरना से घनसोली से लेके ऐरोली जो ब्रिज बन रहा है जो बांद्रा वर्ली सिलंग जैसा ही बनने वाला है, बहुत बढ़िया बनेगा, तो वो मैंग्रोव के भीतर से जाने वाला है, तो वहाँ पे बहुत तरीके के पक्षी उधर आते हैं, तो मैंने आयुक्त महोदय से बोले कि वहाँ पे ऐसा एक गार्डन बनाओ जहाँ पे वो बर्ड्स भी उधर रहे और लोगों को वो बर्ड्स देखने के लिए गैलरी भी बनाओ जिसके जरिए शहर के लोगों को एक अच्छा एक सुविधा मिलेगी। नहीं महाराष्ट्र भवन तो बनेगा उसमें शक नहीं है, आने वाले सोमवार को मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन को विजिट कर रहा हूँ, सुधाकर जी सोनावने के जो बस्ती है वहाँ से जो थाने बिलापुर रोड में जो सबवे निकल रहा है उसको भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मुलुंड से जो जाने वाला जो रोड है काटे पहाड़ को चीर के उसका भी ऑब्जर्वेशन कर, 3 जगह पे मैं सोमवार को जाने वाला हूँ। देखिए कि शहर में हमारा ये दावा नहीं है कि भाई ये हमारे वजह से हो रहा है, इसमें सब लोगों का सहभाग, जनता का सहभाग है, आपके मीडिया का सहभाग है और पार्टी के लोगों का भी सहभाग है, अपना शहर सुंदर बने ये इसके लिए अपन सब प्रयत्नशील रहने के लिए
जरूरत है ऐसा मुझे लगता है, के साथ झगड़ने वाले, लेकिन लोगों की असुविधा बना के प्रकल्पग्रस्त लोगों को भूखंड दो, ये हमारा कहना नहीं है।